नमस्कार, मैं हूं अमृत शर्मा। आप देख रहे हैं एसटीएस टाइम्स। भिवंडी में अलायंस समाजवादी और कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी पार्टी का अलायंस घोषित हुआ, वैसे ही आज भिवंडी के नियाज स्कूल में समाजवादी पार्टी और अबू आजमी के नेतृत्व में एक बड़ी मीटिंग रखी गई। इस मीटिंग में भिवंडी से लड़ने वाले प्रत्याशी रईस शेख आए और अपनी मन की बात भिवंडी करों से की। साथ ही साथ में अबू आजमी ने कहा कि मैं भिवंडी से चुनाव लड़ चुका हूँ और भिवंडी की सीट समाजवादी खो चुकी है, उस चीज़ का मुझे कसक है, मन में एक दुख है। उसी चीज़ को लेते हुए भिवंडी शहर को फिर से एक बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रईस शेख को जिताएगी, ऐसा अबू आजमी ने भिवंडी वासियों से कहा। और साथ ही साथ उम्मीद जताई कि इस बार कांग्रेस राष्ट्रवादी और समाजवादी का हमारा अलायंस है, इस बार रईस शेख को भारी बहुमत से जिताना है। और विश्वास जताते हुए सारे समाजवादी कार्यकर्ता और भिवंडीकरों से बातचीत की और उनसे राय मशवरा किया। आइए जानते हैं अबू आजमी ने क्या कहा समाजवादी पार्टी सर भिवंडी में को लेकर। समाजवादी और कांग्रेस का पहचान हुआ है और समाजवादी ने अभी रईस भाई का घोषणा की है, अभी तक पर्चा भरा नहीं है। क्या कहना है आपको भिवंडी शहर के लोगों को? भिवंडी हमारी फर्स्ट पहली प्रायोरिटी है। हमने राजनीति में सबसे पहले अगर कहीं इलेक्शन लड़ा तो भिवंडी में लड़ा। हमारा भिवंडी हमारा घर है, हमारे गांव, हमारे परिवार के लोग भिवंडी में रहते हैं। मुंबई जब आए थे पहले तो पहले भिवंडी आए थे, इलेक्शन लड़ने आए तो पहले भिवंडी आए। अभी हमको भिवंडी को सुधारना है, हमें ऐसे आदमी की ज़रूरत थी जो आदमी अच्छी तरह से सरकारी मशीनरी से कान पकड़ के काम करवाने की, और उसके बाद एक विज़न अच्छा होना चाहिए कि काम क्या करना कैसे करना, वो मेरे पास रईस शेख है। मेरे पास दो चॉइस थी, मैं मदन बाइक कलर लड़ाऊँ या यहाँ लड़ूँ। जब मेरी कांग्रेस से अलायंस हो गई तो मैंने सोचा कि मैं भिवंडी में रईस शेख नहीं चलता हूँ। मेरा पहले सपना था कि मैं भिवंडी मोंडी, हमारे पास बाइकल्ला है, अभी 2.5 साल रईस वहाँ नगर सेवक रहेंगे, 2.5 साल का पीरियड बाकी है, तो मैं 3 जगह पकड़ना चाहता हूँ। बाइकल्ला मेरे पास है और यहाँ आपकी बार हम भिवंडी से चुन के इंशाल्लाह जरूर आएंगे, आप लोग साथ देंगे तो मोंडी भी आप इंशाल्लाह चुन के समझो आ ही जाएंगे। सर जैसे कांग्रेस का और आपका समाजवादी का अलायंस हुआ, लेकिन कांग्रेस के एक बड़े लीडर ने कल गांधी भवन पर कहा कि हम एबी फॉर्म कांग्रेस का दिलाएंगे एक कैंडिडेट को। देखिए ऐसा है कि अलायंस हो चुका है, अनाउंसमेंट हो चुका है, आपने देखा होगा जी, प्रेस में आया, मीडिया में आया। अब इसके बाद भी अलायंस कोई दूसरा एबी फॉर्म दे दो तो ये तो बेमानी होगी। भिवंडी के कई सारे नगर सेवक थे उसमें, कोई भी रहा हो, लेकिन अलायंस दिल्ली के लोगों ने, बम्बई के लोगों ने बैठ के किया है। इसके आगे कांग्रेस की मर्जी, मैं अपनी तरफ से कोई ऐसा काम नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सच्चा सेकुलर का प्रहरी हूं। मैं वोटों को बंटवाने से बीजेपी जैसी पार्टी को आगे बढ़ने नहीं दूंगा, मेरी भले सीट कम हो जाए। मैं आज बिना अलायंस के 4 सीट चुन के आ सकता हूं, मेरे पास ऐसे है आइडिया है सीटें, लेकिन मैं 10 सीट कांग्रेस को हराना नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि बीजेपी शिवसेना हारे, और भले कांग्रेस की आइडियोलॉजी हमको नहीं भाती हो, लेकिन अभी आज फिलहाल कोई रास्ता नहीं है तो कांग्रेस जीत गया है, हमारी ये पूरी कोशिश है। सर चुनाव होने से पहले आपने दो कैंडिडेट को भी घोषणा किया था, इन टाइम पे अभी चेंज है, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि हम देखते हैं कि हमें कौन जरूरत किस तरह जरूरत है। हमारे पहले हमारी अलायंस पक्की नहीं थी, अलायंस पक्की हुई है, कांग्रेस लड़े, मैं लड़ूँ, सब लड़े, तो सीटें बर्बाद होंगी। आपने देखा पिछली बार क्या हुआ, ये माइनॉरिटी डोमिनेटिंग एरिया है, 288 में सिर्फ 10-12 जगह मुसलमान चुन के आ सकता है, उन जगहों पर भी आपस में लड़ेंगे हम तो सीटें बर्बाद हो जाएंगी। तो कम से कम हम अगर हम इस मुल्क में 14% है, 15% है, 288 में कम से कम 14 दुनिया 28 जो होते हैं 42 सीटें हमारे, 40 सीटें हमारी आना चाहिए, हमारी 10 सीटें आती हैं, 9 सीटें आती हैं। तो हम इन चीज़ों को, हमारी पार्टी छोटी हो जाए लेकिन हम चाहेंगे कि हमारी कम्युनिटी के लोग भी चुन कर जाएँ। सर पर्चा कभी कल भरेंगे सर? जी हाँ, कल 11 बजे सुबह। आपको भिवंडी के लिए नियुक्त किया गया है समाजवादी पार्टी ने अलायंस के साथ में, क्या आप किसको प्राथमिकता देंगे? देखिए भिवंडी में विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए। भिवंडी शहर में आज हमने वादा किया है कि हम पूरे शहर का विकास करेंगे, मुफ्त और मयारी शिक्षा और मुफ्त दवा, इस तरह के प्रोजेक्ट लाएंगे। और भिवंडी में काम करने को बहुत कुछ है, चप्पे चप्पे पे काम है, भिवंडी के अंदर सड़कें खराब हैं,
भिवंडी के अंदर अलग अलग विषय है, भिवंडी की संपूर्ण विकास है। आज आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो लूज के बारे में दिया गया है कि कितनी बेकारी उसकी वजह से हो गई है, उस मसले को भी हल करना चाहिए। भिवंडी का पूर्ण विकास ये काम हम करें, आपको पूरी उम्मीद है कि भिवंडी आपके साथ में रहेगी। बिल्कुल, आप देख रहे हैं पूरा भिवंडी साथ में, भिवंडी अबुआ समाज के साथ है और अबुआ समाज के साथ में जिसको चुना है